जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी ने अपनी पत्नी के साथ वड़ा पाव खाते हुए एक वीडियो शेयर की है। इस वीडियो में वो दोनों आपस में वड़ा पाव खाने का कंपटीशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिरोशी सुजुकी के वीडियो शेयर करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस वीडियो का जवाब दिया और कहा कि ये ऐसा कॉम्पिटिशन है जिसे आप हारने पर बुरा नहीं मान सकते। अच्छा वाला स्पाइसी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। अरुण जी के अच्छी बात है ना, सरोजी नगर की भीड़ के अंदर चलते हैं। कितना सेफ है कि वो बाहर, मतलब हम लोग को कोई सिक्योरिटी उनकी नजर नहीं है। जैसे आम लोग घूम रहे हैं वैसे ही वो लोग घूम रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में ऐसा होता होगा। पाकिस्तान में मुझे लगता है कि आप भी शायद सिक्योरिटी होती हो। हाँ, क्योंकि भाई मेरा ख्याल है कि आपके जो हालात वो बहुत ज्यादा जो है वो इस चीज पर डिपेंड करते हैं। ये है कल्चर, ये है हमारे इंडिया की सॉफ्ट पावर, समझ रहे हैं आप। ये है जापान और भारत की दोस्ती, जिसको हम दुश्मन मुल्क कहते हैं। वो देखे किधर निकल गए, हम किधर रह गए। ये सोचने की बात है जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिनको सोचना चाहिए, जो अपनी अना की जंग लड़ रहे हैं उनको सोचना चाहिए मुल्क के बारे में। क्या मैसेज किया बताया ना मुझे, इंडिया तो बड़ा खुश हो रहा होगा। पाकिस्तान में कंपैरिजन बनता नहीं है इंडिया के साथ। हमारे पकवान बहुत कम है, उनके पकवान बहुत ज़्यादा है। अभी दिल तो करता है कि इंडिया जाएं, इंडिया देखें, उधर के खाने खाएं। पहले भी हम लोग साथ रहते थे, तो मेरा ख्याल है कि जो चीज़ें वो देख रही हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं हैरान जरूर होंगे कि इतनी सस्ती कैसे हैं। कभी इंडिया जाने का मौका मिले, सबसे पहले कौन सी डिश लोगे आप? मैं वड़ा पाव खाऊंगा यार, मुझे तो वड़ा पाव, मुझे भी वड़ा पाव बहुत ही मजे का होता है। क्या नाइस बात, यही हमारा कल्चर है और इसीलिए दुनिया हमारे कल्चर को बहुत ज्यादा फॉलो करती है, अप्रिशिएट करती है। नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जापान के राजदूत हैं वो भारत की सड़कों में दिल्ली में घूम रहे हैं और भारतीय स्ट्रीट फूड का मज़ा ले रहे हैं, और जो उनका फेवरेट था उन्होंने कई चीज़ें वहाँ पे ट्राई की हैं, जिसके बारे में ये पूरा वीडियो है, डिटेल वीडियो। और इसके बारे में फिर पाकिस्तानी क्या सोचते हैं, वो कैसे शॉक्ड हैं ये देख के कि एक जापान के जो राजदूत हैं वो भारत में खुलेआम ऐसे कैसे घूम रहे बिना किसी सिक्योरिटी के। तो आइए पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के अंत में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें। सुजुकी जी, ये बताइए कि आपका पसंदीदा भारतीय खाना क्या है? व्हाट्स योर फेवरेट इंडियन फूड? आई एम इम्प्रेस्ड विद सो मेनी डिलीशियस फूड्स अक्रॉस इंडिया, बट व्हाट इम्प्रेस्ड मी मोस्ट वाज Miso pao in Pune. Miso pao in Pune. Because I had competition with my wife who can eat more spicy hot food. Wow. And my wife just completely beat me. And the video clip was retweeted by Prime Minister Modi ji. ये वही वीडियो है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रीट्वीट किया था। अलग अलग महाराष्ट्र का खाना ट्राई कर रहे हैं और लगता है उनकी पत्नी बहुत स्पाइसी खाना खा सकती है। बहुत बढ़िया, दैट्स अमेजिंग एंड सो हैप्पी ही लाइक्स मिसो पाओ। दूसरी सवाल है, आज तक जहां जहां आप घूम चुके हैं उनमें से आपकी पसंदीदा जगह कहां थी? आई लाइक्ड Ranthambore नेशनल पार्क बिकॉज आई कुड सी वाइल्ड टाइगर्स। वेयर इज इट, इन व्हिच स्टेट? In Rajasthan. Rajasthan. Yes. I've never been there. I should go, I think. Yes. You don't know what you're missing. Wow. Okay. And also in Darjeeling, moonlight plucking. Moonlight plucking. Wow. Tea leaves. But why in moonlight, not daytime? No. Moonlight is the best time. Wow. Because when you have full moon, the gravity of moon pushes out new leaves. जरूर मुझे जाना होगा, मुझे मैं भी बहुत कुछ सीख पा रही हूँ। आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम यू, थैंक यू सो मच। थर्ड क्वेश्चन, तो वैसे आप बहुत जगह घूम चुके होंगे, लेकिन अभी आप कहाँ नई जगह जाना चाहते हैं? Where do you want to visit in India now? Oh, so far I visited maybe 1670 places out of Delhi. Okay. But I haven't visited Jaipur. Jaipur. Ajanta Ellora. Mm. Also Goa. There are so many more places that I haven't visited. दरअसल इस इंटरव्यू के बाद अंबेसडर जी जयपुर गए हैं। बहुत बढ़िया, मुझे भी गोवा जाना है और अजंता एलोरा भी। मैं कितनी बार मुंबई गई हुई हूँ ना, फिर भी अजंता एलोरा आज तक नहीं गई, तो मैं भी पक्का जाना चाहती हूँ। तो साथ में चलेंगे, कैन वी गो टुगेदर? यस। नंबर फोर,
आपको कोई भारतीय भाषा आती है? I'm so embarrassed. I can only introduce myself. I need to study more. Okay. But I can just say, मेरा नाम हिरोशि सुजुकी है. मैं भारत में जापान का राजदूत हूँ. बहुत बढ़िया. In Gujarati, kimchi. Oh, kimchi. And abjo. आमजो, वो तो मुझे भी नहीं पता. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो मैं आज आपको और एक चीज सिखा सकती हूँ. Can I teach you one more word in Hindi? Yes. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. बढ़िया बढ़िया. नंबर 5. इंडिया और जापान में से कौन सी चीज आपको लगता है कि बहुत अलग है, बहुत फर्क है? What do you think is a big difference between India and Japan? For me, language. Because in Japan, we have dialects, but we have the same writing. In India, there are so many different writings. Yes, yes, yes. That's so true. It's amazing. Yes, it's amazing. Yes, yes. And it's like having 28 different countries, yes, almost. Yes. Wow, that's each state so is like true. A country. Yes, yes, yes. And it's very interesting as well as so difficult for yes. me to learn all the language. I hope I can learn a few more languages in my lifetime, but it's really interesting and yes, difficult. Yes. Number 6. भारत और जापान में से कौन सी चीज मिलती जुलती है? What's the similarity between India and Japan for you? It's hospitality. Hospitality. You know, Japanese people have omotenashi. Actually, it's our pride to treat foreign guests. But Indian hospitality is exceptional. It's really amazing. Yeah, Indian I people totally go understand. Out of their way with such a warm hospitality. Yes. I completely agree. मैं भी अलग अलग इंडिया के अलग अलग जगह घूमती हूँ, लेकिन बहुत गहराई से स्वागत करते हैं. So they treat me like family and yes. welcome India. Yes. Indian कौन सी फूड पसंद है आपको? बंद कबाब. अभी दिल तो करता है कि इंडिया जाएं, इंडिया देखें, उधर के खाने खाएं. पहले भी हम लोग साथ रहते थे. ये लो, ये देखे भी शामी कितनी खासा, बहुत मजेदार. अभी हमने ट्राई की है शामी. और वो क्या पड़ा, वो बहुत मजेदार चीज पड़ी, वो भी दिखा. वो अचार है. अचार भी दिखाइएगा जरा. ये पाकिस्तान का ट्रेडिशनल अचार है, ग्रीन कलर का. ये देखिए, ये मुल्तानी है स्पेशल, हम लोगों ने खुद बनाया है. हाँ, दिल चाहता है कि मैं इंडिया वालों को खिलाऊं, वो इंडिया वाले अपना टेस्ट भूल जाए खाना. ये शामी इतनी मजेदार है. हाँ, इतनी मजेदार है, वो सब कुछ भूल जाएंगे. वो ना बोलेंगे कि शामी नहीं खाई तो कुछ खाया ही नहीं है. जैसे मसाल बनी है ना पंजाबी में, जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ. हाँ, तो जिसने शामी कबाब हमारा दाल चावल मुल्तानी नहीं खाया, उसने कुछ खाया ही नहीं है, समझ लो. अब देखिए, मोस्टली चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं. बाहर से मंगवाने की वजह से हमारी मॉइस्चर डाउन हो गई है. बिल्कुल. इस वजह से यहाँ पर हर चीज़ के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं. जैसे घी की आप प्राइस देख लें कि क्या प्राइस है, और इंडिया में क्या प्राइसेस हैं. इस वजह से फिर यहाँ पर चीज़ों के फूड रेट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं. कभी इंडिया जाने का मौका मिले, सबसे पहले कौन सा खाना ट्राई करोगे, कौन सी डिश लोगे आप? मैं वड़ा पाव खाऊंगा यार. मुझे तो वड़ा पाव, मुझे भी यार वड़ा पाव बहुत ही मजे का होता है. क्या बात है, बहुत मजा आता है खाने में. क्या बात, बहुत मजा. मैं यहाँ से इंडिया जाता हूँ खाने के लिए. जाओगे खाने के लिए? मैं जाता हूँ. अभी भी जाते हो? अभी भी जाता हूँ. कौन से शहर गए थे आप? मैं दिल्ली गया था यार. यहाँ पे 25-30 मसाले हैं, वहाँ पे 300-400 मसाले हैं. वहाँ पे अच्छी अच्छी डिशें हैं यार. इनका रिलेशन जो है ना अच्छा होना चाहिए, पाकिस्तान और इंडिया का. इवन आप तो इंडिया जाते ही रहते हो, वहाँ पे क्या अच्छा देखा है आपने? वहाँ के लोग अच्छे लगे हैं, इज्जत करते हैं यार, काफ़ी ज़्यादा इज्जत करते हैं. यहाँ के भी वही है बस, दोस्ताना माहौल है. ये भी अच्छे लोग हैं, वो भी अच्छे लोग हैं. बीच में जो है ना, पता नहीं किसने मुनाफिकी कर दी है, दोनों को ऐसे अलग कर दिया. वो भी मुसलमान है, वहाँ पर भी मुसलमान रहते हैं, यहाँ पर भी मुसलमान है. वहाँ से कितने लोग आते हैं यहाँ पर. नहीं, जब ये भाई जाएगा ना तो इसके साथ शायद मैं भी चला जाऊँ इसके साथ वड़ा पाव खाने के लिए. इंडिया जाऊँगा इनके साथ. यार मैं तो ले जाने के लिए तैयार हूँ. मैं तो कहता हूँ कि काफ़ी दोस्त मेरे आए मेरे साथ, वहाँ का माहौल भी देखें. सही है कि कितने अच्छे लोग हैं, जैसे यहाँ पर है वैसे ही वहाँ पर है, बहुत अच्छे लोग हैं. मैं तो कहता हूँ ये बॉर्डर से जो तारे हैं ना, वो उठा के पैक करके पहन ही जाए, आना जाना होता जाए, दोस्ती हो जाए हमारी आपस में. अगर आपको इंडिया जाने का विश हो, लाइक कौन से मुल्क शहर में जाना पसंद करेंगे? वहाँ मनाली में जाना शुरू. वहाँ क्यों? वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और माउंटेन्स है. मुझे क्लाइंबिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो लाइक मैं वहीं पर जाना पसंद करूँगा, मनाली में. ठीक है, वहाँ का वेदर और व्यू भी बहुत ज़्यादा अच्छा है. तो वड़ा पाव मैंने खाया पाकिस्तान में, तो बहुत अच्छा है. इंडिया का मुझे नहीं पता यार. वड़ा पाव के बड़े फैन मिले, लाइक वड़ा पाव ऑलमोस्ट दुनिया की 13वें नंबर पर डिश आ गई है, टॉप क्लास.
लेकिन पाकिस्तान में तो अभी रिसेंटली ये स्टार्ट हुआ है, तकरीबन 2 साल से देखने में आया है, तो हमने ट्राई किया है, काफ़ी बेहतरीन है। और बाकी तो हमारे पाकिस्तान और इंडिया के कल्चर मिलते जुलते हैं, काफ़ी डिशेज मिलती हैं, जैसे कढ़ाई वगैरह चलती है, हम जो है वो क्या कहते हैं हलवा पूड़ी खाते हैं, तो वो भी वहाँ पे भी ये यूज़ होती है। यहाँ पे वो जो गोलगप्पे हैं उसको वो पानी पूड़ी की तरह से यूज़ करते हैं, तो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन ये कि टेस्ट का थोड़ा वो डिफरेंस है, लेकिन पाकिस्तानी फूड इज़ बेस्ट फूड। अच्छा, अगर इंडिया जाने का मौका मिले सबसे पहले जाके कौन सी फूड ट्राई करोगे? इंडिया में सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि इंडिया में जो मेरी ख्वाहिश है ट्राई करने की पाव भाजी। यार मैंने उसके बारे में सुना है, काफ़ी मतलब फेमस डिश है उन लोगों की, और उसमें हम मैंने वीडियोज़ वगैरह काफ़ी देखी हुई हैं, तो इंशाल्लाह अगर मौका मिला, तो अगर पाकिस्तान में कहीं मिली तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में ज़रूर ट्राई करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया, और वीडियो देख के बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगी कि भारतीय सभ्यता संस्कृति जो है उसकी कितनी ज़्यादा सम्मान है पूरी दुनिया भर में, और जापान और भारत की जो सभ्यता संस्कृति वो काफ़ी मिली हुई है। बौद्ध धर्म यहाँ से वहाँ गया, और इसके अलावा बहुत सारे हिंदू देवी देवता हैं जो कि जापानी कल्चर में भी जिनकी वहाँ पूजा होती है, जैसे भगवान श्री गणेश हैं, लक्ष्मी माता हैं, सरस्वती माता, इन सबकी वहाँ पूजा होती है। इनका अपना एक अलग वहाँ पे नाम है, उनके पहनावे जापानी तरह के हैं, लेकिन जो उनकी पूरी शक्तियाँ हैं, जो उनके बारे में डिटेल आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि ये तो भगवान गणेश हैं, और ये भगवान ये माता सरस्वती हैं, लक्ष्मी हैं, इन सबकी वैसे ही पूजा वहाँ होती है। और ये लोग जापानी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, जापानी इस बात को जानते हैं कि इनका कल्चर किस तरह से रिलेट करता है भारत के साथ, और इसलिए फिर वो सम्मान और ज़्यादा भी बढ़ जाता है। लेकिन पाकिस्तानियों का अलग ही कहानी है, ये लोग कन्वर्टेड लोग हैं और अपनी जड़ों को बिल्कुल भूल चुके हैं, और ये लोग इस तरह से बातें करते हैं जैसे बिल्कुल ये अरब से ही आए हैं, हालांकि ये सब यहीं के कन्वर्टेड लोग हैं। लेकिन यही फ़र्क होता है कि जब आपको कन्वर्ट कर दिया जाता है तो 2 या 3 पीढ़ी बाद आप अपने कल्चर से बिल्कुल कट जाते हैं। खैर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल का आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।